हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा। 7 बजे निकलने वाले थे, अभी तक मैं यहीं पे हूँ। मेरे दोस्त लोग यहाँ पे पहुँच गए जगह के शॉप पे, हम लोग वहीं से निकलने वाले। और हम लोग इधर पहुँच गए, अभी भी देखो ये भाई गाली दे रहा है मेरे को। ये आया है बंदा सुबह, कितने बजे आया तू? कितने बजे आया? 6 बजे। 6 बजे आया हुआ है और ये बंदा जस्ट अभी उठ के आया है। और दूसरा तो देखो अभी अभी रेडी हो रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा क्या मालूम, हुआ है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। ये ही वो बंदा है जो सुबह 6 बजे से आके बैठा है। और ये दूसरा जो सुबह से 4 बार कॉल करके कन्फर्मेशन दे रहा था कि भाई जाना है कि नहीं जाना है। और ये वो बंदा है जो सबसे लेट आया, जिसका प्लान है। हाँ भाई, मैं तो तुमको सुबह ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ निकलने से पहले ही, मतलब निकलते वक्त ही बताया कि मैं निकल रहा हूँ अभी। चलो तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मस्तान नागा, यहाँ पे यहाँ से और 1.5 किलोमीटर से हम लोग टर्न लेना है। ये जग्गू एवरी टाइम वाला, और ये हमारा एक नया दोस्त आया है, इस बार एक सेल्फी लवर आ गया है भाई, सेल्फी भाई ऋतुराज। और ये हमारा दोस्त बगी, इसका एक पार्टनर नहीं आया अभी। अभी हम लोगों ने टर्न ले लिया है मनोहर फाटक से और हम लोग अंदर घुस गए। 47 किलोमीटर है यहाँ से थोड़ा अंदर, हमारे दोस्त आगे चल रहे हैं। देखो तो अभी हम लोग पहुँचे हैं पाचपाड़ा करके कोई जगह है, यहाँ से और पकड़ लो 30-40 किलोमीटर और दूर है यहाँ से रास्ता पूरा। तो आप जवार से अगर आप यहाँ आ रहे हो यहाँ पे, तो जवार पेट्रोल पंप से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मे बी 5 किलोमीटर्स रहेगा, 5 to 6 किलोमीटर। और 5 to 6 किलोमीटर यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ये ऐसा एक रोड आएगा, क्रॉस रोड आएगा, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में टर्न लेना है अगर आप जवार से आ रहे हो तो। और ये सीधा रोड जा रहा है सीधा नासिक की तरफ, और यहाँ से हमको जाना है ऊपर, ये जो रोड जा रहा है कच्चा रोड जा रहा है वहाँ पर। तो यहाँ से ये रोड सीधा डोमजीरा तक जाता है, बीच में से हम लोग को एक टर्न लेना है। तो गाइस हम लोग रास्ता भूल गए यहाँ आने के बाद, इसके बाद हम लोग नेविगेशन भी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग को लोगों को पूछना पड़ रहा है कि यहाँ से कहाँ जाना है। और मेरा हेलमेट भी गिर गया है भाई, उठा हेलमेट उठा। तो हम लोग यहाँ बहुत आगे आ गए, हम लोग को यहाँ से वापस कुछ यू टर्न मार के 8-1 किलोमीटर जाना पड़ेगा पीछे, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे डोमजीरा। अभी और कितना दूर है? 4 किलोमीटर बोला, 8 किलोमीटर यहाँ से यू टर्न मार के 8 किलोमीटर वो दाबोसा वाला बोल रहा है। नहीं नहीं, दाबोसा वाला आगे, वो वापस वही यू टर्न मार रहा है, बता रहा है ना, वो दाबोसा है। हम लोग को जाना है डोमजीरा, तो मुझे लगता है हम लोग को ये रास्ता पकड़ना है वापस, ये रास्ते से हम लोग पीछे जाना है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट हो गया है वाटरफॉल। ये छोटा वाला वाटरफॉल है, जहाँ डोमजीरा वाटरफॉल जाते हो तो आपको ये छोटे छोटे वाटरफॉल मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं अंदर। तो ये रास्ता है जहाँ से हम लोग को जाना है वाटरफॉल तक, और हमको गाइड कर रहे हैं हमारे बड़े सर ऋतुराज सर, देखो सबसे आगे चल रहे, उनके साथ हमको चलना है। वो ये वाला बड़ा ही रिस्की रोड है, ये पूरा उतार नीचे वाला रोड है। तो यहाँ से अभी हमारे रुपेश सरकार जो चलने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह से जग्गू हमारा अभी लीडर है, और उसके पीछे पीछे बग्गी चल रहा है, उसके पीछे रुपेश और उसके पीछे मैं। इस तरह से हम चल रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही ऊंची वाली खाई है, उतरने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। प्रयास करना पड़ रहा है दोस्त, तुम्हारा वेट ज़्यादा हो चुका है,
तुम्हें उतरने नहीं हो रहा है, हमें हम इस तरह देख सकते हैं रुपेश सर, हम उतर नहीं पा रहे हैं गाड़ी सर, ये इजीली उतर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि रुपेश का वेट बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, और आप देख सकते हैं, आप देखो, आप देखिए, आपको झूठ लगता होगा तो आप देखिए, बाकी सारे बंदे आगे पहुँच चुके हैं और ये बंदा अभी भी टुकड़ टुकड़ चल रहा है, ये देखिए पहुँच गया, और फाइनली वो पहुँच गए नीचे भागते हुए, और अब व्यू देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है, और हमारे अक्षय कुमार यहाँ पे पोज दे के खड़े हैं हेलमेट के साथ, यो, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है, देखिए आराम से चलो, और ये वाला तो बहुत ही डेंजरस वाला रोड है, बहुत ही डेंजरस वाला सचोर, हमार तो फट गवा है, और इस तरह से जगह हमारे अभी हमारे बग्गी लीड कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं रुपेश को कितना डर डर के चल रहे हैं, ये आराम से है, पर मुझे भी आराम से उतरना है, अगर मैं चला तो ग्रोपरों के साथ चला, सॉरी मेरा थोड़ा जबान लटखटा गया है क्योंकि हम थोड़ा चढ़ान पे है, हम उतरान पे हैं, देखो हमारा सब फिसल रहा है, क्या सब क्या फिसल रहा है, आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही बढ़िया व्यू है, मैच का कमेंट्री